हेलो दोस्तों, इबास पिटारा में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सब कोई अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ गई हूँ। तो इस वीडियो में मैंने डिज़ाइन किया हुआ है एक अंगरखा कुर्ती चंदेरी कॉटन फैब्रिक यूज़ करके, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी क्लासी है, जो आप नॉर्मल पार्टीज़ में या कोई भी फेस्टिवल्स में पहन सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये पिस्ताचियो ग्रीन कलर का ये फैब्रिक लिया हुआ है, चंदेरी कॉटन का है। ये 2.5 मीटर्स मैंने लिया हुआ है। इसके साथ मैंने ये कॉटन का लाइनिंग लिया हुआ है, ये मैंने 2 मीटर्स लिया हुआ है। इसे मैंने यूज़ करने से पहले एक बार वॉश कर लिया है ताकि सिलाई के बाद यह ना खींचे। तो सबसे पहले हम लोग लाइनिंग में कटिंग करेंगे, उसके बाद इसे प्लेस करके मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। दोनों का कटिंग सेम ही होता है। तो सबसे पहले इसे हम लोग 1 फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद अपने बॉडी के फिटिंग के अकॉर्डिंग इसे हमें फोल्ड लेना है। तो मैंने यहाँ पर 12 इंचेस में इसका सेकेंड फोल्ड लिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो हम सेंटर से यहाँ पर 7 इंचेस पे हमें मार्क करना है और ऊपर से हमें 0.5 इंचेस मार्क करना है। नेक्स्ट हम लोग शोल्डर टू हमारा आर्म होल 6.45 इंचेस मार्क करेंगे। देन शोल्डर टू वेस्ट 15 इंचेस। देन शोल्डर टू हिप 22.5 इंचेस। ये हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है ऑल बॉडी टाइप्स के लिए। नेक्स्ट हमारे बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे चेस्ट का मेजरमेंट जितना भी है उसका 1/4 हमें मार्क करना है। अगर हमारा 36 है देन हमारा 9 इंचेस पे मार्क करना है। सिमिलरली 1/4 ऑफ वेस्ट एंड हियर 1/4 ऑफ हिप। अभी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है स्टिचिंग के लिए। तो हम ये सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे। नेक्स्ट हमने शोल्डर के पास हमें 7 इंचेस मार्क करा था, तो आर्म होल के पास भी हम लोग 7 इंचेस मार्क करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा। बैक साइड के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। ये दोनों पॉइंट्स को हमें शोल्डर के साथ मिला लेना है। ये हमारा स्ट्रेट फिट कुर्ती है, तो हमारा हिप का मेजरमेंट जितना भी है हमें नीचे की तरफ भी उतनी मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा 11 इंचेस है, देखिए। तो नीचे भी हमें 11 इंचेस मार्क करना है। तभी हमारे जो आउटर पॉइंट्स है इसे हम लोग मिला लेंगे सारे। सिमिलरली हमें इनर पॉइंट्स को भी मिला लेना है। तभी हम लोग आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैं इसे कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। तभी हमें जो 0.5 हमने मार्क किया हुआ था उसे भी सेंटर के साथ मिला लेंगे और हमें आउटर पॉइंट से सारा कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो गया है। तो एक पीस को हम लोग निकाल लेंगे जो हमारा बैक साइड होगा। तभी हमें फ्रंट साइड के लिए हमने जो मार्क किया हुआ था आर्म होल उसे कट कर लेंगे। और अभी हमें इसका नेक कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए हम लोग शोल्डर के पास 3.5 इंचेस मार्क करेंगे और सामने तरफ हमें इसका डेप्थ 6 इंचेस रखना है। तो मैं यहाँ पर पेटल्स शेप का नेक बनाने वाली हूँ, आप अपने शेप के अकॉर्डिंग ड्रॉ कीजिए। इसे भी हम लोग कट कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए फ्रंट साइड का कटिंग हो गया। अभी हम लोग बैक साइड का कटिंग करेंगे। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर 3.5 इंचेस मार्क करना है और बैक साइड का हमारा डेप्थ रहेगा 1.5 इंचेस। तो इसे भी हम लोग शेप देके कट कर लेंगे। तभी हम लोग मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सारा मेजरमेंट हमारा सेम रहेगा, बस प्लेस करके हमें कट करना है। बस हमारा कुर्ती का लेंथ जितना भी रखना है बस वही लेंथ को ही हमारा एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए ये हमारा कटिंग हो गया है। इसी तरह से अभी हमें कुर्ती का जो अंगरखा का डिज़ाइन बनाना है उसे हम लोग कटिंग करेंगे। देखिए हमारा फ्रंट साइड का जो हमने कट किया हुआ था उसे प्लेस करना है और इसे आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है। तो हमारा अंगरखा का जो लेंथ है ये मैंने 13 इंचेस रेडी बनाना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा दैट इज 14 इंचेस पे हम इसे मार्क करेंगे और इसे हमें कट कर लेना है।
ये हमारा कट कवर हो गया है। तो देखिए हमारा ये मेन फैब्रिक के ऊपर अभी हमें इस प्लेस करके इसे शेप देना है। तो हमें इस तरह से यहाँ पर 4 इंचेस मार्क करना है और नीचे से भी हमें 4 इंचेस मार्क करना है। तो यहाँ से हम लोग नेक को मिला लेंगे, अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसे हम लोग कट कर लेते हैं। देखिए हमारा रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से प्लेस होगा हमारे फैब्रिक के ऊपर। तभी हमने हैंड्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट साइड जो है वो अंदर की तरफ है, इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और ये मैंने इसका चौड़ाई 8 इंचेस रखा हुआ है। तो हमारा 7 इंचेस रेडी होगा ये। तो हमें ये 3 इंचेस मार्क करना है बोथ साइड से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट हमारा चेस्ट का मेजरमेंट जितना भी है उसका 1/5, दैट इज 36 का अगर हम लोग 1/5 करेंगे तो 7.25 यहाँ पर मार्क करेंगे और इसे हमें कॉर्नर के साथ मिला लेना है। यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। तो देखा हमारा मेजरमेंट एग्जैक्टली उतना ही है। तो यहाँ पर हमें 3/4 स्लिप बनाना है। तो हमारा रिस्ट का जितना भी लेंथ मेजरमेंट है उसका हाफ, दैट इज अगर 10 का अगर हाफ है तो हमें 5 इंचेस मार्क करना है 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं। तभी हम लोग आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए इसका हमें मिडिल ड्रॉ करना है। तो ये 8 इंचेस है तो 4 इंचेस में हमें इसे मार्क करना है। तो देखिए मैं ये आर्म होल के ड्रॉइंग कैसे बना रही हूँ। तो ये हमारा बैक साइड है तो फ्रंट साइड के लिए हमारा 0.5 इंचेस एक्स्ट्रा डीप होगा। तभी हमें आउटर पॉइंट से इसे कट कर लेना है। इसे हमें इस तरह से खोल लेना है। अभी हमने अंदर जो मार्क किया हुआ था यहाँ से कट कर लेंगे तो ये हमारा बोथ हैंड्स का फ्रंट साइड हो जाएगा। तो हमारा कटिंग हो गया। तो चलिए हम लोग एम्ब्रॉयडरी अभी शुरू करते हैं। देखिए मैंने ये डिज़ाइन बनाने वाली हूँ तो इस पहले हम लोग इसे ट्रेस कर लेंगे, इसके बाद एम्ब्रॉयडरी शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक सा, काफ़ी आसान सा ये एम्ब्रॉयडरी पैटर्न यूज़ कर रही हूँ और ये चंदेरी कॉटन में ऑलरेडी साइन होता है तो मैं सिल्वर का थ्रेड में एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, जो काफ़ी एलिगेंट सा लुक लाएगा और ये हल्का शाइन और हल्का वर्क है तो ये काफ़ी क्लासी लगेगा। तो आप कोई फेस्टिवल्स में या पार्टी में भी पहन सकते हैं इसे। मैं हल्का हल्का से यहाँ पर सिक्वेन पाइप और बीट्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ जो ये इसे लुक्स और भी बढ़ाएगा। इस तरीके की कुर्ती आपने मार्केट में देखा होगा, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये बनाना लेकिन काफ़ी आसान है, आप एक बार अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा इसे बनाने के लिए। मैं ये सिमिलर पैटर्न ऑफ एम्ब्रॉयडरी ही यूज़ कर रही हूँ। देखिए हैंड्स के लिए भी हमारा कंप्लीट हो गया है और नेक के पास भी मेरा सेम पैटर्न ऑफ एम्ब्रॉयडरी ही यूज़ किया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बस ये गोटा पट्टी का बॉर्डर लगा लेंगे इस तरीके का और इसे स्टिच कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसका लटकन बनाएंगे। तो सेम जो हमने ड्रेस बनाया है उसी का ये फैब्रिक कट पीस लिया है, ये लटकन और ये हमारा गोटा पट्टी लेस, ये हमें मार्केट में जरूर ईजिली मिल जाएगा। तो हमें इस तरह से इसे ट्राइंगली फोल्ड करना है और ये लेस को नीचे की तरफ हमें स्टिच कर लेना है। देखिए मैंने ये स्टिच कर लिया है। तो थ्रेड में मैंने जो आपको लटकन दिखाया था ये मैंने सिलाई करके फिक्स कर लिया है। तो हमें ये कट पीस को यहाँ पर फिक्स करना है। तो इसे हमें राइट साइड को अंदर की तरफ रखना है, देखिए, और इसे फोल्ड करके हमें ऊपर से स्टिच कर लेना है। कॉर्नर प्लेस को हमें थोड़ा सा इसे फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पर मैंने फोल्ड किया हुआ है। तो इसे हम लोग पलट लेंगे तो ये हमारा लटकन रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बाकी लटकन को भी फिक्स कर लेंगे।
तो देखिए हमारा कुर्ती बन के रेडी हो गया। देखने में कितना सुंदर और कितना एलिगेंट है ना इसका एम्ब्रॉयडरी, और इसका लटकन में देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। ये कितना सुंदर है ना, और कितना आसान भी था बनाने के लिए। आप अपने लिए एक ज़रूर बनाइए, ये आपको भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा और अच्छा लगेगा बनाने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।